بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں، وادشی بیا مقرر ذی شان خطیب ہر دل عزیز میرے بڑے بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری عثمان ساجد صاحب آف ننکانہ۔ الحمدللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی فهما، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی بابرکت ذات واسطے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر اس مقام دے دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے میں نو تانو جمع فرمایا ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال میری اور تسا سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلی حضرت حضرت محمد رسول اللہ
नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दा पाक तैयब ताहिर और मुकद्दस नाम आए, दरूदे पाक जरूर पढ़िया करो, चाहे दरियां ते बैठो ते चाहे कुर्सियां ते बैठो। वैसे गल ठीक है, कुर्सी ते बैठ के बोलना ते औखा हुंदा है। अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल तमाम दोस्तों का इस मुकाम ते जमा होना कबूल फरमाए। एक तुसी कुर्सियां ते बैठे हो, दूसरा दो कैमरे लग गए ने, आ सामने लैन आले नजर आंदे पए ने ते कैमरे दे बैक आले कोने नजर आंदे। ये हुण तकरीर इमानो मानी होनी है, इधलिया का सानू पता नहीं ते सामने दी तवज्जो ते फिर सानू नजर आएगी। बेदारी का सबूत दियो और सोने पैगंबर दे पाक और सोने नाम ते सोना दरूद पाक पढ़ो। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह जुल जलाल अजर अता फरमाणगे। एक बार फिर मुहब्बत नाल पढ़ो, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी दाते अक्दसो अतहरो आलो बालते। आज दा ये प्रोग्राम मरकज सुदैस दे तहत मुबलगे इस्लाम कारी इब्तिसाम इलाही सदीकी सब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दे दोस्त अहबाब ने जो ये बाजार के अंदर इतनी मुकद्दस और पाकीदा मजलिस सजाई है। दुआ करो जिन्हां भाइयों ने इस प्रोग्राम लई जो जो मेहनत कीती है अल्लाह कबूल फरमा के हदायत और नजात दा जरिया और सवाब बना दे। और हजरत कारी इब्तिसाम सदीकी साहब हाफिज़हुल्लाह दे दावत ते मेरा ये तीसरा प्रोग्राम है, 18 नू चौथा हो जाएगा, अगले महीने अंदर फिर पंजवा हो जाएगा। क्यों जी शागिर साहब, इन्हां दी एक बहुत बड़ी खूबी इन्हां दे प्रोग्राम दी के प्रोग्राम फौरन शुरू हो जाता है और बड़ी ही जल्दी प्रोग्राम नू समेट लेंदे ने। बड़ी ही सआदत दी बात है कि शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हजरतुल उस्ताद हजरत अल्लामा शेख अब्दुल मनान रासिख हाफिज़हुल्लाह उकाड़े के अंदर तशरीफ ले आ चुके ने और मेरे तो मुत्तसिल बाद बेइज़्निल्लाह उन्हां दा आलिमाना फाजिलाना और कीमती बयान इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम मुख्तसर मगर जामे और बामकसद होएगा। अस्तेद दे तुसी वेख रहे हो मेरे छोटे भाई मुबल्लिगे इस्लाम खतीब पाकिस्तान मौलाना सुहेल अहमद शाकर साहेब अफ उकाड़ा उकाड़े दे नाम वर खुतबा दे अंदर हजरत शाकर साहब दा नाम सरे फरिश्त है। अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल जितने उलमा खुतबा तशरीफ ले आए ने अल्लाह सबना दा तशरीफ ले आना कबूल फरमाए। हजरात रबीउल अव्वल दा ए बाबरकत महीना जारी सारी है। आप दी अजमत आप दे शान आप दे मुकाम आप दी रिफा तो बुलंदी नूं हर खतीब अपने अपने अंदाज अंदर बयान कर रहा है, बल्कि हर मकतबे फिकर दा आलिम खतीब मुबल्लिग आप दी अजमत शान मुकाम नूं बयान कर रहा है। और इंशाअल्लाह कयामत दिकर बल्कि कबर अंदर भी मैदान हशर अंदर भी और अल्लाह दी जन्नत दे जान दिकर और जन्नत अंदर भी सोने पैगंबर दा जिक्र इंशाअल्लाह हुंदा रहेगा। अल्लाह जुल जलाले वली कराम ने अपने सोने महबूब पैगंबर नू अपने लाडले पैगंबर नू बड़ी अजमत बड़ा शान बड़ा मुकाम अता कीता है
और जो आप दी अजमत आप दी शान आप दा मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा नूं बयान करन दी वारी आए, मैं नहीं, मेरे मौलाना सुहेल शाकर साहब नहीं, मेरे उकाड़े दे उलमार खुतबा नहीं, बल्कि मेरी जमात दा हर आलिम, मेरी जमात दा हर खतीब, हर छोटा और बड़ा आलिम सोची पै जांदा है कि सोने पैगंबर दा जिक्र शुरू कित्थों करिए ते सोने पैगंबर दा जिक्र खत्म कित्थे करिए। अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पैगंबर दी आमद तो पहले दे जिक्र, आप दी विलादत पाक तो पहले दे जिक्र, पहलियां किताबां अंबर जिक्र, अंबिया दियां ज़बानां ते जिक्र, अंबिया दियां दुआवां अंदर जिक्र, आलमे अरवा अंदर जिक्र, दुनिया दे आए मेरे पैगंबर आप दे बचपने दा जिक्र, आप दे लड़कपन दा जिक्र, आप दी विलादत दा जिक्र, आप दे शहर मक्का दा जिक्र, आप दे वालदैन दा जिक्र, आप दी जवानी दा जिक्र, आप दी तिजारत दा जिक्र, आप दे सफर दा जिक्र, आप दी इबादत दा जिक्र, आप दी औलाद दा जिक्र, आप दे यारां दा जिक्र, आप दे शहर मक्का दा जिक्र, मदीने दा जिक्र, सहाबा दा जिक्र, अहले बैत दा जिक्र, आप दे जिहाद दा जिक्र, आप दी वफात पाक दा जिक्र। हर खतीब सोची पै जांदा है कि सोने पैगंबर दा जिक्र शुरू कित्थों करिए। अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पैगंबर पाक दी हर अदा नूं आला बनाया, हर मुकाम नूं आला बनाया, हर सिफत नूं आला बनाया, क्योंकि अल्लाह जुल जलाल ने अपने तो बाद अगर किसे हस्ती नूं मुकाम दिता है तो अहले हदीसा तेरे पीर मुहम्मद नूं इशान दिता है, तेरे सोने पीर नूं, तेरे सोने इमाम नूं, मुर्शद आजम नूं अजमत दिती है कि नबिया नालों आला, पूरी कायनात नालों आला। और आज आओ मैं सोने पैगंबर पाक दी शान विचों दो हिस्से बयान करने ने, एक दे मैं अर्ज करना है कि अल्लाह जुल जलाल ने नबिया नूं सब तो पूरी कायनात तो आला बनाया, तमाम मखलूकां 70,000 या कुरान कहिंदा है तुसी अल्लाह दे लौ लश्कर गिण नहीं जे सकदे, शुमार नहीं जे कर सकदे, इन्हां सारे लश्करां विच्चों अल्लाह ने इंसान नूं आला बनाया है, इंसानां विच्चों अल्लाह पाक ने अंबिया नूं आला बनाया है, अंबिया विच्चों अल्लाह पाक ने रसूलां नूं आला बनाया है, ते जदों सोहणे पैगंबर दीआं वारियां आईआं अल्लाह ने इंसानां तों नहीं, अंबिया तों नहीं, बल्कि अपने रसूलों तो भी आला मुकाम दिता है, ते अहले हदीसा तेरे पीर मुहम्मद नु मुकाम दिता है। मुहब्बत नाल कह दियो सल्लल्लाहो, कुर्सियां वाले ओ बोलो मुहब्बत नाल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर नु अजमत आप नु ओ मुकाम मिलया है जड़ा नबियां दे हिस्से भी नहीं आया, हालांकि मेरे पैगंबर तो पहले बड़े बड़े जलील उल कदर नबी गुजरे ने, बड़ी बड़ी अजमत ते शान वाले अल्लाह जुल जलाले वली कराम ने सब तो आला बनाया, ते नबियां दी जमात नूं नबियां दे अंदरों अल्लाह पाक ने 315 रसूलां नूं आला बनाया, 315 रसूलां नूं सही हदीस, और इन्हां 315 रसूलां दे अंदरों अल्लाह जुल जलाल ने अपने 10 रसूलां दा इंतखाब कीता है, उन्हां 10 दे अंदरों अल्लाह जुल जलाल ने 5 दा इंतखाब कीता है, उन्हां 5 विचों अल्लाह पाक ने 3 दा इंतखाब कीता है, ते इन्हां 3 दी सरदारी भी अल्लाह पाक ने रखी है, ते आमना दे लाल दे सिर ते रखी है, यानी अल्लाह पाक ने जिन्हां नूं सब तो आला बनाया, अल्लाह पाक ने जिन्हां नूं सब तो अफजल बनाया, सब तो कीमती बनाया, उन्हां आला तो भी आला मुकाम अल्लाह ने सोने पैगंबर नूं दिता है, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने सब तो अफजल बनाया,
ਉਹਨਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਗਭ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਫੇ ਮੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਮ ਐਵੇਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਆਗਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕਦ ਮਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਮੋਮਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਨਾਮ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਲੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਰਫਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਤੱਕੀ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੀਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਬੀਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਏ। ਤੇਰੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ 10 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਮਾ ਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਅਸਤੇਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਖਤੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, 20 ਖਤੀਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਆਪ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਕਾੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਤੀ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸਕ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਤਰੰਨਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਏ, ਔਰ ਕੰਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਏ, ਦਿਮਾਗ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਏ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ।
मैनू रब ने इन्ना परेशान कर दिता, मैनू रब ने इन्ना दुखी कर दिता है। और ना वीरा अल्लाह दा शिकवा करन तो पहले, अल्लाह जुल जलाल दा गिला करन तो पहले, अल्लाह पाक दे मुतालिक बदजनी करन तो पहले, अल्लाह पाक दी ना फरमानी ते कुफर वाले बोल बोलन तो पहले, बोल बोलन तो पहले काश तू अपने दिमाग ते वेखदा कि अल्लाह दी तेरे ते कितनी बड़ी नेमत है। वेखो ना कारी अकबर सब हाफिजा हुल्ला, अल्लाह पाक ने इतना हाफजा दिता है, कुरान दे भी हाफज बन गए, मिशकात दे भी हाफज बन गए, बुखारी दे भी हाफज बन गए, इमाम अहमद बिन हम्बल 10 लाख हदीस दे हाफज बन गए। और मियां कोई कुरान दा का मेरे जामिया दे उस्ताद मैनू ना शेख तनवीर साहब दसन लगे कि लॉकडाउन दा मैनू फायदा हो गया। मैं क्या सारे नू घाटा पिया सने मौलियां ते तुहानू फायदा कादा हो गया? कहन लगे मैं ना छुट्टियां दे अंदर अल्लाह पाक दा कुरान जबानी याद कर लिया, मैं हाफिज़े कुरान भी बन गया। और तैनू रब ने दिमाग दी ओ नेमत दिती है, तू पहले साइकिल बनाया साइकिल, तू मोटरसाइकिल बनाया मोटरसाइकिल, तू कार बनाई बस बनाई ट्रक बनाया, फिर तैनू अल्लाह पाक ने दिमाग दिता है इस लारी नू इस गड्डी नू हवा वे तू उड़ाना शुरू कर दिता है। नाम बदल गया, जहाज पै गया है ते बासी है ना है ते एक गड्डी है, और लोहे नू हवा में उड़ाया है ते तेरे दिमाग दी नेमत ने, कार बनाई है ते दिमाग दी नेमत दे नाल, कंप्यूटर बन गया दिमाग दी नेमत दे नाल, मोबाइल बन गया दिमाग दी नेमत दे नाल। अल्लाह जुल जलाल ने तेरे वजूद दे अंदर कई नेमत रखियां ने, वो काढ़ भी हो इधर वेखे आजे। फिर अल्लाह पाक ने तेरे खाने लिए की ने बना दिता, फरमाया फल यंजुर इंसान इला तामी अल्लाह सबब नल मा असबाब सुम शकक नल अर्ज शक्का फंबतना फिया हब्बौ ऐनबौ वकज़बौ वज़ैतूनौ वनखदौ वहदाइक गुलबाब। अल्लाह पाक ने तेरे लिए तरह तरह दिया नेमतां पैदा कर दितियां, फरमाया कदे अपने खाने वेले वेखिया कर किते खजूरां पिया खाना है किते अंगूर पिया खाना है, मुख्तलिफ किस्म दियां सब्जियां ते फल पिया खाना है। जे तवज्जो करो ते बाबे शमशाम की बोली वे तर्जमा कर देइए, बाबा जी बड़ा सोहना तर्जमा कर गए ना सारियां आयतां दा, अन्ने सुबहान निशाना तेरिया। कुर्सियां वाले हो भला हाथ चक के कहो सुबहान अल्लाह, पता लगे केड़े केड़े जागते हो, अल्लाह तुहाड़ियां जिंदगियां च बरकत फरमा दे। यार मैं परदेसी मैं मुसाफिर दीन दा अदना जिहा नौकर तेरी जमात दा खादिम दुआ करना, अल्लाह जिन्ना हाथ चुक के सुबहान अल्लाह कहा है साल अल्लाह उन्हां नूं उमरा करवा दे, अल्लाह उन्हां नूं हज करवा दे। अरशा वाले खाब विच अपने सोने महबूब दियां ज़ियारतां करवा दे। और करदा जाई बाबा जी ने कमाल दा तर्जमा कीता है, अन्ने सुबह निशाना तेरियां ओ किते काटे सोने बेरियां गन्ने दे विच ने गनेरियां खरबूजियां दियां ढेरियां इदवाना किधरे लाल सू सुबहानव सुबहानव ओ किते कणक छोले खान नू किते अंब नाले जाम नू अंगूर मन पर चान नू रेशम कपा हंडान नू किस किस तू होवा सुरखुरू सुबहानव सुबहानव ओ किदे मैया गाइयां घर दियां दुद्धां दे भांडे भर दियां ओ कई जमदियां कई मरदियां और डंगरा दारा सूज सू ओ किदे मोरा पहला पाइयां
किदे बुलबुलां चैकाइयां सब तैनू गावन साइयां किदे घुगी आके हो बो अगे ओ कड़विया तेरी भी गल कर जाऊं किदे नाराज ना हो जाए पर सब दी बेहतर आदमी पर सब दी बेहतर आदमी तेरी गल पर सब दी बेहतर आदमी हर शै पी कर दिए खादमी जिसे जो लवे जिसे को लवे जिसे जो लवे इधर वेखो और जिसे जो लवे जिसे को लवे बच्चिया तू खोके चो लवे इस अगे सिकदा कौन को सुबहानाओ सुबहानाओ रब ने नेमता ते बड़िया दितिया ने इनाम ते बड़े दिते ने मगर किसे नेमत ते नहीं फरमाया के मैं तुआडे ते एहसान कीता है मैं तुआडे ते इनाम कीता है ते जदों सोने पैगंबर दियां वारियां आईयां जदों आमला दे लाल दियां वारियां आईयां जदों अब्दुल्ला दे चन्न दियां वारियां आईयां जदों शीमा दे पीर दियां वारियां आईयां भद्रे मुनीर दियां वारियां आईयां सोने पैगंबर ते सोने पीर दियां वारियां आईयां फरमाया लकद मन अल्लाह अलल मोमिनी إذ باس فيهم رسولا من أنفسهم فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان کر دیتا ہے تواڈے وچوں ہی میں اپنا آخری پیغمبر محمد پیدا فرما دیتا ہے میں اپنا سونا پیغمبر بھیج دیتا ہے یہ میرا بہت بڑا احسان ہے اے دو انعام خدا وند کیتے بھائی سجدے ادھر ویکھیا جے اے دو انعام خدا وند کیتے ते ऊपर ऐले ईमान ला ओ एक कुरान मुहम्मद दूजा ते सरवर दोए जहाना ते मेरे मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी बोले दुआ करो अल्लाह इलाहाबादी साहब जिथे लेटे ने कबर नू जन्नत दा बाग बना दे अल्लाह मौलाना इकबाल कसूरी साहब जिथे लेटे ने कबर नू रोशन फरमा दे मेरी जमात ते जिन्ने उलमा फौत हो गए शहीद हो गए अल्लाह दराजात बुलंद फरमाए हजरत उस्ताद जी ने अपने अंदाजे पढ़ना शाकर साहब हजरत उस्ताद जी ने अपने अंदाजे पढ़ना बड़ी मोहब्बत दे गीत गाने आका दी विलादत ते पाक दे जिक्र ते फरमाया करना ओए जणिया आमना ने डालाल सोना जणिया आमना ने डालाल सोना पुत्र जग विच इंज किसे माई दा नहीं पिता शीर हलीमा दा हिलम होया मर्दबा जग विच इंज किसे दाई दा नहीं देंदी लोरियां शीमा मोहब्बतां थी और देंदी लोरियां शीमा मोहब्बतां दी टिठा प्यार इंज भैण रजाई दा नहीं और जिनों वेखिया गले जड़े ठंड पै जाए ओ भावे जनिया मेरी माई दा नहीं अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पीर दा मुकाम बनाया है जड़ा नबिया दे से भी नहीं आया के नबिया दी बेइज्जत रब ने इनाम दा लफज बोलिया होए एहसान दा लफज बोलिया होए या किसे नबी दी विलादत दा इन करके अल्लाह पाक ने जिक्र कीता होए और मेरे पैगंबर दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक दा कुरान बोले आओ फरमाया वामा अरसल्ला इल्ला रहमतल लिल आलमीन
फरमाया सोने आजी तुहानू पूरी कायनात लई सोने तुहानू रहमत बना दिता है, मगर अल्लाह जुल जलाल ने लगभग पहले किसी नबी नू अता नहीं किया। हालांकि इधर वेख्या जे हर नबी अपनी कौम वाले बायसे रहमत बन के आंदा है, हर नबी अपने कौम वाले बायसे बरकत बन के आंदा है, मगर अल्लाह पाक ने रहमत का लकब किसे पैगंबर दे से च नहीं रखे, अब किसे रसूल नू ए लकब नहीं दिता। जदों जगह दे पीर दियां वारियां आईयां, जदों सोने मुर्शद दियां वारियां आईयां, फरमाया मेरे आ सोने आम मैं तुहानू जहान नाली रहमत बना दिता है, पूरी कायनात ली रहमत बना दिता है, इंसाना ली रहमत, हैवाना ली रहमत, जमीन वाले ली रहमत, आसमान वाले ली रहमत, सोने एक एक चीज ली तुहानू मैं रहमत बना दिता है, आलमीन ली तुहानू रहमत बनाया, रहमत दा लगवे ते मेरे पीर दा है जड़ा किसे नबी दे से भी नहीं आया। और तीसरे मुकाम है अल्लाह पाक दा कुरान बोले अब फरमाया वमार सल्ला का इल्ला काफतल लिल्लासी बशीरं व नजीरा, मेरे महबूबा सी नबियां नु भेजे अब एक कौम वल्ले एक बस्ती वल्ले, एक एक कौम वल्ले एक एक पैगंबर आए ने, एक एक बस्ती विच दो दो नबी आए ने, बल्कि पढ़ सूरह यासीन अल्लाह जुल जलाल ने एक पिंड अंदर एक बस्ती दे अंदर तीन अपने पैगंबर भेजे ने, एक पिंड अंदर एक कौम वल्ले दो दो नबी आए ते तीन तीन नबी आए, और नबिया दे इलाके मखसूस ने, नबिया दियां नबूवतां मखसूस ने, जेड़ा ऐस इलाके दा नबी है और दूजे इलाके अंदर उंदी नबूवत नहीं चलदी, उंदी रसालत अपनी कौम दी करमादू दे, उंदी नबूवत अपनी कौम दी करमादू दे, ओए कोई कौमी कोई मुल्की प्यारे नबी अपने अपने हलके वाले सारे नबी पर मशरक तो लैके मगरब तक हदा पहुंच आउंदी जागीर दियां ओले अदीसा कोलो आके सुन सजना जे गल्ला सुनिया नी मदनी पीर दियां ओ जिंदे नां दियां कसमां रब खावे जिंदी उंगलियां चन्न नू चीर दियां। हर नबी दी नबूवत ओंदी कौम दी कर, ओंदे इलाके दी कर, ओंदी बस्ती दी कर। जदों मेरे पैगंबर दियां वारियां आईयां फरमाया मेरे महबूबा मैं तुहानू पूरी कायनात दा नबी बना के भेजे, मैं पूरी कायनात लई तुहानू रसूल बना के भेजे आए, हुण हर नबी दी नबूवत दा एहतराम जरूरी है, हर नबी दी इज्जत जरूर की जाएगी, मेरे खलीलुल्लाह दी इज्जत जरूर की जाएगी, उन्हां दी नबूवत दा एहतराम जरूर किया जाएगा, ईसा अलैहि सलाम दी नबूवत दी वजह तो उन्हां दा एहतराम उन्हां ते ईमान उन्हां ते इज्जत जरूरी है, मगर नबूवत चलेगी ते आमना दे लाल दी चलेगी जे ईसा अलैहि सलाम जिन्हां नूं मैं जिंदा उठा लिया है, एक वेला आएगा महबूबा वो आउणगे ते जदों आउणगे नबी बन के नहीं बल्कि मेरे महबूबा तुहाडे उम्मती बन के आउणगे, तुहाडे नौकर बन के आउणगे, तुहाडे गुलाम बन के आउणगे, ए ओ लगवे जिहड़ा पहले नबियां नूं भी नहीं मिलिया है, ए मेरे पैगंबर दे से अंदर आया है, और मेरे पैगंबर नूं रब ने ओ मुकाम दिता है जिहड़ा पहले नबियां दे से भी नहीं आया। केड़ा मुकाम है? अल्लाह पाक दा कुरान बोलिया फरमाया मालिक कायनात ने मा काना मुहम्मदुन अबाहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबी, मैं
फरमाया सोने आओ मैं पहले नबियां नू नबूवत दीती है मगर जो दो सोने तेरिया वारियां आईया मैं तेनू खातम नबीन बना दिता है तेरे सिर ते नबूवत दा ताज भी सजा दिता है सोने तेरे सिर ते मैं रिसालत दा ताज भी सजा दिता है खत्मे नबूवत दा ताज भी सोने मैं तेरे लिए बना दिता है खत्मे नबूवत दा सेरा भी सोने मैं तेरे सिर ते सजा दिता है जितने नबी आए ने हर नबी तो बाद नबी आया हर रसूल तो बाद रसूल आया पर मेरे पैगंबर आए आखरी नबी बन के हुण मेरे पैगंबर तो बाद कोई भी आए वह लानती ते हो सकता है वह काना ते हो सकता है वह बेईमान है वह मुर्तद है वह जिंदीक है वह वाजिबुल कतल जड़ा नबूवत का दावा करे क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर ते नबूवत के दरवाजे बंद कर दिते ने अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दे सिर ते खत्मे नबूवत दा ताज सजा दिता है आपने फरमाया सी ना उमर तेरा मुकाम इन्ना है उमर तेरे अमल इतने कीमती ने उमर तेरा किरदार इन्ना सोना है उमर तेरा अखलाक इन्ना सोना है इधर मेरे वाले तके आ जे अगर मेरे बाद को नबी आना हुंदा ते उमर तू आंदे हो मगर ला नबी आबादी उमर मेरे बाद कोई नबी नहीं ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया नबूवत दे बूए नू है मार आया हुण नवा नबी जग दे आ कोई नहीं सकदा मेरे नबी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा जान दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा एजाज भी मेरे पैगंबर दा मुनफरिद एजाज भी नबियां तो चाहे रसूलां तो चाहे और अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पैगंबर नू की मुकाम दिता जड़ा पहले नबियां दे से भी नहीं आया अलामा इब्ने कसीर ने ना एक बड़ी प्यारी बात नकल की है एक दिन मेरे महबूब पैगंबर ने अल्लाह जुल जलाल दे कोलो सवाल कर दिता है अल्लाह जुल जलाल दे कोलो सवाल कर दिता है या अल्लाह तू पहले नबियां नू बड़ी आजमत अता कीतियां ने तू पहले नबियां नू बड़ा मुकाम दिता है बड़िया शाना दितियां ने तू हजरत आदम अली सलाम नू बड़ा मुकाम दिता है हजरत नूह पैगंबर नू बड़ा मुकाम ते मौजज़े दिते ने तू हजरत खलीलुल्लाह नू भी कई मौजज़े ते कई इनाम दिते ने हजरत ईसा अली सलाम नू मूसा अली सलाम नू तू बड़ी आजमत अता कीतियां ने किसे नू कलीमुल्लाह बनाया ही किसे नू रूहुल्लाह बनाया ही किसे नू नजीउल्लाह बनाया ही किसे नू शफीउल्लाह बनाया ही या अल्लाह तो पहले नबियां नू बड़े मुकाम दिते ने पहले नबियां नू बड़िया शाना दितिया ने ओ काड़वी ओ इधर मेरे वल्ले तक आज मेरे आका दा मुकाम की है मेरे आका अल्लाह जुल जलाल नाल गल्लां करदे ने अरशां वाले आप पहले नबियां नू बड़े मुकाम बड़िया अजमतां बड़िया शाना या अल्लाह तू मैनू की अता कीता है या अल्लाह तो मैनू की मुकाम दिता है हुण इधर वेखिया जे जिन्हां नाल मुहब्बतां बहुतियां होण जिन्हां नाल ताल्लुक बहुते होण जिथे यारियां गूड़ियां होण जिथे मुहब्बत विच इक दूजे ते हम्मा दावा होवे बंदा पुछ लैंदा है तैनू मेरे नाल किन्ना प्यार है मैनू तेरे नाल इन्ना प्यार है अल्लाह जुल जलाल दे कोलों मेरे पैगंबर पे पुछदे ने या अल्लाह तैनू मेरे नाल किन्ना प्यार है मैनू किन्ना मुकाम मैनू किनिया शाना दितियां ली अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जिब्राइल जा मेरे पैगंबर ते कुरान लै जा जा मेरे पैगंबर ते मेरी वही लै जाओ मेरे सोने पैगंबर नू दस दे के सोने महबूबा पता जे तुहाडा मुकाम की है ओ पहला मुकाम ते वे के मेरे पैगंबर जदों भी परेशान होए ने आका ने जदों भी सवाल कीता है अल्लाह जुल जलाल ने सोने नबी नू तसलियां दी
दित्तियां ने ते कुरान उतार के तसलियां दित्तियां ने। आ पुछो ना उलमा दे कोलो सूरह वज़्ज़ुहा रब ने नाजल की तसली मुस्तफा ली नाजल की। अल्लाह पाक ने सूरह कौसर नाजल की तसली मुस्तफा ली नाजल की। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह ए सूरत नाजल की ते सोने पैगंबर दी तसली ले नाजल की। सूरह लहब रब ने उतारी है मेरे पैगंबर दी तसली ले उतारी है। आमना दे लाल बोलते ने परेशान होंगे ने। अल्लाह जुल जलाल नू अपने पैगंबर दे नाल इन्ना प्यार है कि अल्लाह पाक तसली ले भी कुरान उतारते ने। अल्लाह पाक कुरान दियां आयतां नाजल फरमा देंदे ने ताकि दुनिया वाले नू पता लग जाए कि मैं अपने यार नाल किन्ना प्यार है, मैनू अपने सोने महबूब नाल किन्ना प्यार है, मैनू अपने आखरी पैगंबर नाल किन्ना प्यार है। और जदों मेरे पैगंबर ने अल्लाह पाक नूं ये सवाल कीता है, अल्लाह पाक अगे अर्जा कीतियां ते रब ने कुरान उतार दिता है। फरमाया अलम नशराह लका सदरक ववाज़ना अनका बिज़रक अल्लज़ी القضى ظهرك ورفعنا लगा जिक्र वारा वाना लगा जिक्र मेरे महबूब बाप तुसी कहिंदे जे मैं तुहानू की दिता है, मैं तुहाडा मुकाम किन्ना बनाया, मैं तुहाडियां शाना किन्नियां बनाइया ले। मेरे सोने महबूबा मैं तुहानू मुकाम इन्ना दिता है कि तुहाडे जिक्र नू मैं रब ने आप बुलंद कर दिता है, तुहाडियां शाना नू मैं बुलंद कर दिता है, तुहाडियां तारीफा बयान करांगा ते मैं अल्लाह जुल जलाल करा किते तुहाडे जिंदगी दियां कसमां उठा के किते तुहाडे चेहरे दा जिक्र करके सोने किते तेरियां जुल्फां दा जिक्र करके मेरे महबूबा किते तेरे सीने दा जिक्र करके किते तेरे पसीने दा जिक्र करके किते तेरे होंठां दा जिक्र करके सोने किते तेरे बोलां दा जिक्र करके तेरियां तारीफां मैं आप करांगा, तेरे जिक्र नूं मैं आप बुलंद करांगा। या अल्लाह किन्ना कु बुलंद करेंगा। फरमाया मेरे महबूबा जिथे तक मेरी खुदाई होएगी उते जिक्र सोने तेरी मुस्तफाई होएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद। गौर करना या अल्लाह तू किन्ना मुकाम दिता है। फरमाया महबूब सोने दीने इस्लाम में दाखिल होन वाला पड़ेगा अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, उन्नी देर तक मैं उन्दा इस्लाम कबूल नहीं करना जिन्नी देर तक अशहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ लवे। मेरे महबूबा कलमे च तेरा जिक्र, अजान च तेरा जिक्र, कबीर विच तेरा जिक्र, जिथे कुरान विच अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नाज़िल होएगा उते सोने अमार सल्ला का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन नाज़िल होएगा। जिथे नमाज विच मेरा जिक्र होएगा, फातिहा मेरी पढ़ी जाएगी, सोने दरूद तुहाडा पढ़िया जाएगा, और हर जगह मैं तुहाडे जिक्र नूं इंज करके बुलंद करांगा कि मैं तौहीद, जिते मेरी तौहीद दा ऐलान होएगा उते सोने तुहाडी रिसालत दा उते ऐलान होएगा। नमाज मेरी होएगी तरीका तुहाडा चलेगा, हज मेरे घर दा होएगा तरीका तुहाडा चलेगा, रोजा ते मेरे नाम दा रखिया जाएगा, सहरी इफ्तारी ते तरीका तुहाडा चलेगा, ज़कात ते मेरे नाम ते दित्ती जाएगी मगर तरीका मेरे महबूबा तुहाडा चलेगा, शरीयत मेरी होएगी तरीका मेरे महबूबा तेरा होएगा, अदावां तेरियां चलनगियां, सुनता तेरियां चलनगियां, तरीका तेरा चलेगा। बल्कि मैं नमाज विच भी तेरा जिक्र जारी कर देंगा, मैं दुआ कबूल नहीं करनी जड़ी दुआ मंगन वाला मेरे को दुआ मंगे ते अव्वल आकर सोने तुहाडा जिक्र ना करे, अव्वल आकर तुहाडे ते दरूदे पाक ना पड़े, मैं उहदी दुआ नूं रोक देंगा, जमीन आसमान विच लटका देंगा, क्योंकि हर जगह मैं तुहाडे नां दियां तुम्मां पाणियां ने, मैं हर जगह तुहाडे जिक्र नूं आम करना है। ओए चार चुफेरे पईआं
नाम सोने दिया तुमानी खुल मिठासों शायद कर दिता तुमानी अल्लाह जले आवे मौका पैर जा चुमानी ओ जय उस्मान उपते फजल गफार दा नाम मुहम्मद वाला सीने आनू ठार दा मेरे पीर दा नाम सुन के जिंदे सीने ठंड पई हाथ चौके गौ सुभान अल्लाह मार कैमरा अब्दुल अनान परा भी जिन्हां दे सीने ठंड पई दोवे हाथ चुक के गौ सुभान अल्लाह दोवे हाथ चुक के पढ़ो सल्लल्लाहो मोहब्बत नाल पढ़ सल्लल्लाहो प्यार नाल पढ़ सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम गौर कर मेरे पीर दा मुकाम है और मौलाना कहंदे ने अंदर वरफाना कीता ओए वादा रहमान ने मौलाना सुहेल शाकर साहब आंदे ने सदीकी साहब नारे तकबीर अजमत मुस्तफा शान मुस्तफा हजरत मौलाना उस्मान साजा साहब अल्लाह जिंदाबाद तवज्जो करना मौलाना आंदे ने चार चुफेरे और लोग अपने पीरां दे नां ते जलियां पांदे ने पग्गां लै जांदी कपड़े लै जांदे ने होश नहीं आउंदा तेरा पीर ओए औ कड़विया तेरा मुर्शद ओए मेरे देवबंदी बरेलवी भाई आए मेरा पैगाम नफरत नहीं किसी की पग उछालना मकसद नहीं मगर मेरा पैगाम भी सुन मेरी दावत भी सुन मेरा मिशन भी सुन मेरा ऐलान भी सुन मेरी फिक्र भी सुन मेरे जलसे का ऐलान भी सुन मैं पीर ओनू मने है मैं मुर्शद ओनू मने है इमाम आजम ओनू मने है जिन्ना नाम लईए ते रब पंजा नेकियां अता कर देंदा है ते जे सोने ते दरूद पढ़िए मेरे पीर दा नाम सुन के जे दरूद पढ़िए अरशा वाला रब कहिंदा है मेरे यार दे नाम ते दरूद पढ़न वाले आ तेरे गुनाह भी माफ कर देंगा तेरिया मुश्किलां भी हल कर देंगा पढ़ फिर मेरे पीर दे मुहब्बत नाल दरूद सल्लल्लाहो हाथ चुक यार सारे सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मेरे पीर दा जिक्र ऐ वहाबी बैठे ने मुर्शद दे दीवाने बैठे ने अपने आका दे नाम ते वेखो ना किवें चौ पैले किवें बेदार हो गए मैं हर अहले हदीस दी चेहरे ते रौनक वेख रहा आ मेरे सफेद दाड़ियां वाले बाबियां दे चेहरे ते रौनक और कर दे आ जाना अहले हदीस अपने मुर्शद दा जिक्र पिया करदा ही सोणे ओए चार चुफेरे पईयां सोणे दिया थुमानी खुल ग मिठासो शैद कर दिता तुमानी अल्लाह जले आवे मौका पैर जा चुमानी हो जाए शमशान उते फजल गफार दा नाम मुहम्मद वाला सीने आनू ठार दा मौलाना बोले माशाल्लाह गौर करना भाई मौलाना कुरान दी आयत दा तर्जमा वरफाला का जिक्र ओए अंदर वरफाला कीता वादा रहमान ने ओए अंदर वरफाना कीता वादा रहमान ने नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने अज घर घर पहुंचया वेखो
नाम सरकार दा नाम मुहम्मद वाला सीने आनू ठार दा मेरे पीर दा जिक्र अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया ते फैला दिता है। ओ फ्रांसी कुत्ते तू बकवास करदा रे तू भौकदा रे तेनू इंशाल्लाह अल्लाह ने दुनिया दे इबरत दा निशान बनाना है। मुसलमान ले हाले तेरे बिस्कट बंद कीते ने हाले तेरे पेट्रोल पंप वाला तेल बंद कीता तेरे आने बार आ गए ने। ओ कुत्तिया सुन ले बगैरता सुन ले लांतिया सुन ले खंजीरा सुन ले बगैरता सुन ले ओ कुत्तिया सुन ले इंशाल्लाह असी तेरी एक एक चीज बंद करांगे तेरा साह बंद करांगे तेरा मुल्क बंद करांगे अपने पीर ते औलादा कुर्बान कर दियांगे अपने पीर ते जिंद कुर्बान कर दियांगे जाना कुर्बान कर दियांगे और इंशाल्लाह तेरा नाका बंद कर दियांगे तेरे वर्गे कुत्तियां नूं कदे जुरत नहीं होएगी कि मेरे पीर दी तू गुस्ताखी कर सके। इंशाल्लाह मेरा बच्चा बच्चा हर अहले हदीस हर सुन्नी हर देवबंदी हर बरेलवी हर मुसलमान इंशाल्लाह हुरमत दे रसूल ते जानवी खड़े होके को हुरमत नाराए तकबीर शाने मुस्तफा शाने मुस्तफा बुलंदिए मुस्तफा शाने सहाबा हुरमते रसूल पर हुरमते रसूल पर हुरमते रसूल पर जान भी कुर्बान है हुरमते रसूल पर जान भी कुर्बान है। हक्के मसले के लिए हदीस जिंदाबाद हक्के मसले के लिए हदीस जिंदाबाद हजरत मौलाना कारी उस्मान सारे साहब इंशाल्लाह मेरे महबूब दा जिक्र आज भी बुलांदे कल भी बुलांदे और कयामत तक इंशाल्लाह बोलो कयामत तक इंशाल्लाह बुलंद रहेगा। मेरे पैगंबर दा नाम मिटान वाले मिट गए फ्रांसी कुत्ते इंतजार कर अल्लाह दी जमीन तो तेरा नक्शा मिट जाएगा मेरे पैगंबर दा चर्चा कयामत तिकर हुंदा रहेगा क्यों जी हुंदा रहेगा बोलो बोलो हाथ चुक के हुंदा रहेगा इंशाल्लाह असी इंशाल्लाह हर जगह ते साड़िया नस्लां भी साड़िया औलादां भी जिवे मेरे अकाबर जगह जगह ते पीरो मुर्शद दे नाम दे झंडे गड गए असी गड दे रवांगे साड़िया औलादां भी गड दियां रहणगियां इंशाल्लाह। मेरे पीर दा अल्लाह पाक ने हर जगह जिक्र बुलंद कर दिता है। अल्लाह जुल जलाल ने सोने पैगंबर नु अजमतां ही बड़ियां अता कीतियां ने शानां ही बड़ियां अता कीतियां ने फरमाया मेरे महबूबा मैं तुहाडा इन्ना मुकाम बना दिता है कि जो जो चीज मैनू जानदी होएगी मेरे महबूबा ओ ही चीज तुहानू जानदी होएगी और हर हर चीज नु मैं तुहाडा जिक्र सुना देना है हर हर चीज नु तुहाडा तारफ करवा देना है। और सुनो ना मुस्लिम है मेरे पैगंबर फरमांदे इन्हां पत्थरां नु पैदा करन वाला कौन है बोलो यार पहाड़ बनाने वाला कौन है गौर करना है ना पत्थरां नु बनाने वाला कौन है। मौलना कहंदे ने अल्लाह दी शान ते दो शेर पढ़े अज अल्ला मैं पढ़ना माहौल बनाओ का और मियां पत्थर पैदा करन वाला कौन है आसमान बनाने वाला कौन है जिंदा कीता हाथ चुके आसमान बनाने वाला कौन है जमीना बनाने वाला कौन है और तैनू मैनू बनाने वाला कौन है। ओए वखो वक शगला दुनिया रंग रंग दी सारी मखलूक उंदे कोलों मंगदी ओ कल्ला जे राखा इस सारे जग दा ए सारा ही कमाल बोलो कल्ले रब दा
ओने अपनी कुदरत नाल नक्शे कटने है कोई टैनी फल खट्टे मिठने आला सारू पानी एक वार लगदा ये सारा ही कमाल मेरे सोने रब दा हर चीज नू पैदा करने वाला अल्लाह जुल जलाल है ते वेखो अल्लाह ने सोने दा मुकाम बनाया है मेरे पैगंबर पाक फरमांदे ने मैनू मैनू मक्के दे ओ पत्थर मैं उन्हां मक्के दे पत्थरां नू हाले भी जानना वा उन्हां पत्थरां नू हाले भी पहचानना वा जड़े पत्थर मैं मुहम्मद नू झुक झुक के सलाम करया करदे सन चुक चुक के सलाम करे अगर दे सन मेरे पैगंबर कदाए हाजत लई बाहर निकले ने आपनू पर्दा ते ओट नजर नहीं आई ते मेरे पैगंबर ते शर्मो हया दे पैगर ने अकाली सलाम ने दो दरख्तां नू वेख आए आपने एक दी टहनी पकड़ी है फरमाया दरख्ता मैं अल्लाह दा रसूल आ ते दरख्त मेरे पीर दे पिछे इंज टुर पिया जिवें जानवर दी मुहार पकड़ी है ते जानवर मालक दे पिछे टुर पैंदा है जगां दे पीर ने लिया के दोवें दरख्तां नूं जोड़ दिता है इन्हां दी बैक साइड ते अपने आप ने हाजत पूरी कीती है फिर आपने फरमाया जाओ दरख्तों अपनी अपनी जगह ते चले जाओ दरख्त इंज टुरदे जा रहे ने जिवें बंदे टुरदे जा रहे ने बुखारी विच लिखे आए मेरे पीर मक्के च इक जगह ते ने सहाबा कहिंदे ने सुणिया साइड ते हो जाओ इक ठाड़का हो गया है ते जिन्ना ऊंट रखे ने उन्हां नूं पता है ठलके हो जाणदे मालक नूं वी वड्डण लग पैंदे ने मालक दे वी दुश्मन बन जांदे ने सोणिया सैड ते हो जाओ किते ऊंट तुहानूं नुकसान ना पहुंचा देवे आप फरमांदे ने मेरे यारो परेशान होण दी लोड़ नहीं ए जानवर वी जाणदे ने मैं अल्लाह दा रसूल हां ए जानवर वी मेरे मुकाम नूं जाणदे ने ऊंट आया ए इहने आ के मेरे पीर दे कदमां विच अपना सिर झुका दिता है मेरे मुर्शद के कदमों में अपना सिर झुका दिता है ओ सुने आप ओ जानवर हो के आका दा गुलाम बन गया तुम ती हो के आका दा ना फरमान क्यों है तू ही मेरे पैगंबर दा गुलाम बन तू ही मेरे नबी दा नौकर बन तू ही मेरे नबी दियां दावां नाल प्यार कर ओए हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नाथे अपनी छड़ी गल अपनी गल कथ अपनी बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया पावे लख गुनेगार बेड़ा पार हो गया एडे सोने पीर दा जे तेनू दीदार करन नू दिल करदा क्यों जी दिल करदा ना या अल्लाह कबूलियत दा टाइम है अल्लाह ख्वाब जी अपने सोने दा दीदार करवा अल्लाह तेरे अगे मुश्किल कोई नहीं बड़े बड़े नेक बुजुर्ग आमीन कह रहे ने अल्लाह ख्वाब विच अपने सोने दा दीदार नसीब फरमा दे ते मेरा वीर ते हर मोमन दा दिल तड़फदा है जड़े आका दे नाम ते दाड़ियां सजा लईयां जड़े आका दे हुक्म मन के हथ सीने ते बन लै जड़े आका दे हुक्म मन के उच्ची आमीन दियां गूंजा पाणियां शुरू कर दित्तियां ने जड़े आका दे हुक्म मन के शलवारां टखने उच्चियां कर लईयां ने जड़े आका दे हुक्म मन के तू हीद वाले बन गया सुन्नत वाले बन गया हुण दिल करदा है जड़े महबूब दे नाम ते सदीक कुर्बान हो गया है जिस आका दे नाम ते फरूक कुर्बान हो गया है जिस सोने दे नाम ते अली पाक कुर्बान हो गए ने बिलाल अग दे अंगारे ते लेट गए ने आले यासर तड़प गए ने मेरे नबी दे 27,000 कुर्बानियां यार कुर्बानियां दे गए ने उस आका जे तेरा भी दिल करदा दीदार करन नूं उस आका दी रफाकत नूं जे तेरा भी दिल करदा ते मैं आखर ते तेनूं कुछ गल्लां दस जावां उहनां ते अमल करना तेरा कम है कयामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल तेनूं सोने दा दीदार भी नसीब फरमा देणगे ते साथ भी नसीब फरमा देणगे अल्लाह तेनूं आका दा गवांडी बना देणगे अल्लाह पाक तेनूं सोने नबी दा नौकर बना देणगे करी कुर्बत अता फरमा देणगे ओ पहला काम निक्का जिहा ते सोहणा जिहा
नमाजी भाईओ मेरे हाजी बुजुर्गो और मेरे अहले हदीस भाई इधर मेरे वाले तके आज सोने पीर ने फरमाया जड़ा बंदा सुबह शाम तीन तीन वार पड़े तीन तीन वार पड़े की रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया जिन्हां नूं आउंदा है शाकर साहब लिया साहब थोड़ा उच्ची पढ़ो का रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया जड़े पढ़दे ने तुहानूं मुबारक होए जिन्हां नूं याद है पढ़दे नहीं अज तो पढ़ना है इंशाला हुणे तो ही पढ़ना है जिन्हां नूं नहीं याद है अपने अपने खुदाबाद कोलों याद कर लो अपने अपने उलमा दे कोलों याद कर लो किन्ना सौखा मले रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया आका फरमांदे ने जड़ा मेरा उम्मती सुबह शाम पढ़ेगा कल कयामत वाला दिन होएगा मैं अपने उस उम्मती नूं बाजू तो पकड़ के जन्नत विच नाल लेके जावांगा मेरे नबी ने कितनी बड़ी गारंटी दी है थोड़े जे अमल ते असल गल मियां ए वे गल अमला ते नहीं मुकदी गल सोने दे हुक्मा ते मुकदी है गल सोने दियां गुलामियां ते मुकदी है और दूसरा अमल मेरे पैगंबर ने फरमाया मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल कियामती आना बहु आवाज अम्मा साहब आओ मेरे पैगंबर ने अंज करके हाथ दियां दो उंगलियां बुलंद कीतियां ने इधर वेखिया दे आका ने अंज करके हाथ दियां दो उंगलियां बुलंद कीतियां ले फरमाया अल्लाह पाक जिन्हों दो बेटियां देवे ओ बेटियां दे घर जवान होने ओ इना बेटियां दी तरबियत करे ओ इना बेटियां नाल मुहब्बत करे इना बेटियां दे नाल अच्छा सलूक करे ते नेक नौजवान दे नाल इना बेटियां दी शादी कर देवे बेटियां पैदा हो नक ना वटे ते मुंह ना वटे परेशान ना होवे ते गमजदा ना होवे बल्कि बेटियां दी पदेश ते अल्लाह दी रज़ा ते राजी होवे अल्लाह दे फैसलियां नूं खुशी नाल कबूल करे फिर इना बेटियां नूं दीन सिखाए इना बेटियां दी तरबियत करे ए बेटियां दा बाप कल कयामत वाले दिन आप फरमान ने मेरे नाल इंज खड़ा होएगा जिवें हाथ दियां दो उंगलियां कठियां ने रब तियां दितियां ने तियां नाल प्यार करिया कर बेटियां नाल मुहब्बत करिया कर बेटियां नाल उल्फत करिया कर ओ मियां मेरे पैगंबर वांगो बेटियां दे सिर चुमिया कर बेटियां दे इस्तकबाल करिया कर बेटियां नूं सज्जे पासे बिठाया कर बेटियां दी तालीम तरबियत दा फिक्र कर बेटियां पैदा होण ते गम ना करी मेरी मां भैण बेटी सुनदी पई है ते सुन लवे जिन्हां कोल बेटियां ने सुन लो ते आल नाल ज्यादा नबियां नूं अल्लाह पाक ने बेटे नहीं बल्कि बेटियां अता फरमाईयां ले इमाम याकूब बिन मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हदीस दे इमाम ने अल्लाह पाक ने पंज बेटियां अता फरमाईयां ते जदों बेटी पैदा हुंदी इमाम अहमद बिन हंबल इन्हां दे घर तशरीफ ले आंदे आके कहिंदे इस पर अबा यूसुफ अलंबियाओ कानू अबाओ बनाते ओ इमाम यकूब सबर करें अल्लाह पाक ने ज्यादा नबियां नू बेटे नहीं बल्कि बेटियां दा बाप बनाया है जे बेटी रब दी रहमत ना हुंदी जे बेटी रब दा इनाम ना हुंदा जे बेटी कीमती चीज ना हुंदी जे बेटी मुकाम वाली चीज ना हुंदी अल्लाह कदे नबियां नू बेटियां दा बाप ना बनांदा किसे नबी नू रब ने नौ बेटियां किसे नबी नू रब ने सात बेटियां मेरे ते तेरे पीर नू रब ने चार बेटियां मौलाना तर्जमा इंज कर गए अनले पुत्रां दी फौज दीती हजरत याकूब नू निरियाई तिया दितिया लूत महबूब नू होए तिया ते पुत्र दीते हजरत अयूब नू
कईयां नूं दित्ता कुछ नाई। इधर ओए नबी शुएब दे पुत कोई ना, पईयां तियां बकरियां चार दियां, ओ भला नहीं शुएब दा दिल करदा चखे लज़तां इस बहार दियां। मियां रब बेटियां देवे बेटियां नाल प्यार तू करिया कर, अल्लाह जुल जलाल तेनू मेरे सोने दा दीदार भी नसीब फरमा देंगे, साथ भी नसीब फरमा देंगे। और तीसरा अमल मेरे पैगंबर फरमाते ने आना काफिलुल यतीम, आना काफिलुल यतीम। भाई जफर अगे आ जाओ, अरे जफर किस ताना ना, ये मेरा पतरेर है, इना बाप ते मेरा बाप सके मुलेर फुफेर सन सके, इना मेरा करीबी माड़ा माड़ा ना गुस्से गुस्से रहिंदा वड्डा भरा जुए। दुआ करो अल्लाह मेरे वीर की जिंदगी बरकत फरमाए। और यार इन्हां दियां मेहनतां भाई साजिद बैठे ने, भाई जफर ने, भाई शफाक ने, जदानी, ये सारे दी बढ़िया मेहनत ने। दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दियां मेहनतां कबूल फरमा लै। कई बार ना मौलिया ना गुस्सा करते ने भी, कई मौलिया ने अपने कैमरे लै लेने, दुआ करो इन्हां नूं गुस्सा ना करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। उन्हां दी किस्मत उन्हां नाल, इन्हां दी इन्हां नाल जिहड़ी रब ने इन्हां दी लिखी उह मिलनी मिलनी। क्यों जी? रब ने जिहड़ी मौलियां दी लिखी मौलियां नूं मिलनी है, जिहड़ी इन्हां दी लिखी इन्हां नूं मिलनी है। और करदे आ जाणा मेरे पैगंबर पाक दे फरमान ते, फरमाया ना वकाफिलुल यतीम। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जड़े बंदे यतीमां नाल प्यार करनगे कल कयामत नूं मेरे नाल जुड़नगे जिवें हाथ दियां दो उंगलियां कट्ठियां ने। और सुणिया मेरे पैगंबर भी पैदा होए ते यतीम पैदा होए, मेरे आका दुनिया ते आए ते यतीम आए। तुसी उलामा दे कोलो सुने ताइयां आंदियां रहियां, सोने नूं यतीम समझ के छड़ के जांदियां रहियां, हलीमा सादियां आईयां। जदों मेरे नबी नूं चुक के ले जान लगियां ते मामला कहिंदियां ले इहनूं समझ यतीम ना छड जावी, ए लाल ना गोदी विचों कढ जावी, ए लाल मेरा अनमुला इनू सीने नाल लाल चुप करके। मेरे पैगंबर भी दुनिया ते आए ते यतीम आए, अल्लाह जुल जलाल ने मेरे पैगंबर नू यतीमी दे बावजूद अजमत ते शान दी के नबियां तो उच्चा बना दिता है, अपने तो बाद रब ने मुकाम दिता है ते सोने पैगंबर नू दिता है। मेरे पैगंबर भी यतीम आए, आके मेरे सोने नबी ने यतीमा नाल मुहब्बत कीती है, यतीमा नाल प्यार कीता है, यतीमा दे हक बयान कीते ने। और सुन लो मेरे नबी दा एक फरमान ते मैं अगली गल करां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़े बंदे यतीमा दा माल उन्हां नूं दे देण, अल्लाह उन्हां दी कोई दुआ कबूल नहीं जे करदे किंज करके। बच्चा यतीम है ते छोटा है, इहनूं समझ बूझ कोई नहीं, ए तेरा भतीजा है तां भी सुन लै, ए तेरा भाणजा है तां भी सुन लै, या जिस यतीम बच्चे दी तू कफालत प्या करना है जिन्ना माल तेरे कंट्रोल अंदर है, ओ यतीम ने तेरी को गुस्ताखी की थी, को मामूली गल तो ना फरमानी की थी, तो गुस्से चुंदा माल उन्हों दे दिता है। इन्हें अपनी यतीमी दी वजह तो ते बचपने दी वजह तो ओ माल जाया कर दिता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इन्हें यतीम नाल जुलम किया है क्योंकि ओ ते बच्चा सी, तू सियाणा है तू दना है, उन्दी निक्की जी गल ते नाराजगी नाराज होके उन्हें माल उन्हों दिता ही, उन्हें बचपने की वजह तो जाया कर लिया है, उन्हें बचपने की वजह तो माल बर्बाद कर दिता है। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिन्हें यतीम दा माल इंज करके दे दिता ते वो माल जाया हो गया, अल्लाह ऐसे बंदे की कोई नमाज कबूल नहीं फरमाणगे, अल्लाह ऐसे बंदे दियां मंगियां दुआवां जाया कर देणगे। ओ मियां यतीमा नाल प्यार करया कर, यतीमा नाल मुहब्बत करया कर, किसे यतीम नू सर्दी विच चादर लैके दे, किसे यतीम बच्चे नू सर्दी विच कपड़े लैके दे,
यतीमां ते शफकत कर। इधर वेखना तू बाप है मेरी गल तेरे नाल है, मैं भी बाप हाँ। इधर मेरे वल्ले तकिया दे आ छोटिया बच्चिया दियां किन्नियां खैशां हुंदियां ने। तू कपड़े लैन जाए ते तेरे छोटा जिहा बच्चा कहिंदा है मैं आ कलर नहीं लैना, मैं आ रंग नहीं लैना, मैं इंज दा कपड़ा नहीं लैना। हाँ बेटा तू की मैं इंज दा कलर पाना है, मैं इंज दा सूट लैना है, मैं इंज दी शर्ट लैनी, मैं इंज दी जर्सी लैनी, मैं इंज दी टोपी लैनी, मैं ऐसे कलर दे बूट लैने ले। ते तू औखा हो के भी अपने बच्चों दियां खैशां पूरियां करना है, अपने कपड़े छाड़ के भी अपने बच्चों के कपड़े पूरे करना है, औखा हो के भी बच्चों दियां खैशां पूरियां करना है। ओ यार जिन्हां दे बाप टुर गए ने उन्हां यतीमां दे अंदर भी दिल ले, उन्हां मासूम बच्चों का भी दिल करदा रंगदार कपड़े पाण नूं, उन्हां मासूम बच्चों का भी दिल करदा सोहणियां जुत्तियां पाण नूं, उन्हां मासूम बच्चों का भी दिल करदा चंगी वर्दी पाण नूं, उन्हां मासूमां का भी दिल करदा गर्म चीज़ां खाण नूं, उन्हां यतीमां का भी दिल करदा है। मगर जदों घर विच नजरां मारदे ने ते बाप दी शफकत नजर नहीं आंदी, ओ यतीम पे रोण ते किंदे सामने, ओ यतीम लाड करन ते किंदे नाल करन। इसे लई ते मैं पूरे पाकिस्तान विच पैगाम देना फिरना, ओ सुने ओ अल्लाह दा ना जे तेरे कोल जे कोई यतीम बच्चा खड़ा होवे ते अपने बेटे नाल प्यार न करी, तेरे कोल जे कोई यतीम बच्चा खड़ा होवे अपने बच्चे दा सिर ना चुम्मी, अपने बच्चे दा मुंह ना चुम्मी, अपने बच्चे नाल लाड ना करी। किते यतीम नूं बाबा ना याद आ जाए, किते यतीम नूं बाप दियां मुहब्बतां ना याद आ जाण। खुदा दा वास्ता जे वेखिया जे किते तुहाडे महल्ले विचों कोई यतीम पढ़ाई तो ना रह जाए, किताबां दी वजह तो स्कूलों ना कढ़िया जाए, फीसां दी वजह तो स्कूलों ना कढ़िया जाए, गुरबत दी वजह तो किते बाजार विच आंडे वेचण ते मजबूर ना हो जाए, गुरबत दी वजह तो किते छलियां दी रेहड़ी लगाम ते मजबूर ना हो जाए। ओ वेखिया कर सर्दी विच जिन्हां दे पैरां विच बूट कोई नहीं, वेखिया कर जिन्हां दे सर्दी अंदर उत्ते चादर कोई नहीं, जर्सी कोई नहीं, किते बच्चा यतीम ना होवे। मैनूं इक दोस्त ने गल सुनाई, एक स्कूल अंदरों एक बच्चा छुट्टी करके आया, अम्मी जी मैं अज अपने बाबे नूं मिलना है, ते पता जे मासूम बच्चों के बाप फौत हो जाण ते पता नहीं मावां किवें करके तसलियां देंदियां ने, तेरा बाबा खेडण गया है, तेरा बाबा ड्यूटी ते गया है, तेरा बाबा नौकरी ते गया है। ए बच्चा जदों भी अबू अबू करदा है मावां रो रो के तसलियां देंदियां ने, ते पता नहीं मावां किवें दिलासे देंदियां ने। आ गया कहिंदा अम्मी जी अज मैं अपने बाबे नूं जरूर मिलना है, अज मैं अबू जी नाल गल बड़ी जरूर करनी है। यतीम दी मां रोई जांदी है, आंदा अम्मी रोनी क्यों है, मैनू मेरे बाबे नाल मिलांदी क्यों नहीं, मैं रोजाना कहना ते मैनू टाल देनी है। मां ने मजबूर किया, मां ने रोंदिया रोंदिया इंदी उंगली पकड़ी ते करीबी कब्रस्तान ते लै गई, बाप दी कबर ते खड़ा करके कहिंदी है ते तेरा बाबा सुता पिया, उठा अपने अबू नूं, उठा अपने अबू नूं, और तू सफेद दाड़ी नाल बाप दी कबर ते जावे ते तेरी चीखां निकल आण, और तू जवानी विच बाबे दी कबर ते जाए ते तेरे कोलों गल ना होवे, तेरी जबान ते सकता तारी हो जाए, तेरी रो रो के दाड़ी गिल्ली हो जाए। जदों मासूम बच्चा अपने बाबे दी कबर ते जाला होएगा, उन्हां यतीमां ते की गुजरदी होएगी, ते बच्चा अपनी बाप दी कबर ते लेट गया ला पापा पापा उठो मेरे साथ स्कूल चलो, अबू जी उठो मेरे साथ स्कूल चलो, आज मेरे टीचर ने मुझे कहा है कल या फीस लेके आओ या अपने अबू को साथ लेके आओ, या फीस लेके आओ या अपने बाबा को साथ लेके आओ। अबू जी मामा मुझे फीस नहीं देती, उठो आज मेरे साथ चलो, आज मेरे स्कूल में चलो, वरना सुबह के बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा,
ओ मियां जिते तेरे बच्चों दियां हजारां फीसां दे पदियां पईयां ने, जिते तेरे बच्चे रोजाना सैकड़ों रुपये दो तो चार चार सौ कंटीन का खर्चा लेके जांदे ने, उन्हां कालजां स्कूलां मदरसियां च पता करिया कर कोई यतीम बच्चा ते नहीं ना रहिंदा जड़ा किताबां तो रह गया होए, जड़ा कपड़िया तो तरसदा पिया होए, ओ जड़ा जुत्ती तो तरसदा पिया होए, जां जिन्हों फीस दी वजह तो स्कूलों कट दिता जाए, आना वो काफिलुल यतीम क्यों जी यतीम नाल प्यार करांगे। आज मैं एक वादा लेना है, कार्ड भी तुहाडे कोल, अपना नाल मार कैमरा इन्हां ते तुहाडे कोल वादा लेना है, मैं कोई अपील कोई चंदा कुछ नहीं, इको अज दे दरस अंदर अज दे अजीम शान भाई लियास दी सजाई हुई मजलिस अंदर वादा लेना है, इन्हां सर्दी अज किसे यतीम नूं सूट या चादर लैके देंगे इंशाल्लाह, और जिथे अपने बच्चों की लैनी दो चार सौ का कोई फर्क नहीं पैना, अज वादा करो किसी यतीम नू कपड़े इंशाला इस सर्दी में गर्म कपड़े लैके देने ने इंशाला। उस्ताद मोहतरम उस्ताद उल उलमा शेख उल हदीस कायद मोहतरम सरमाया मसल के अहले हदीस मेरे उस्ताद मेरे महबूब मेरे कायद मेरे पीर मेरे उस्ताद जी शेख अब्दुल हनान अब्दुल मनान रासिक साहब हफीजाहुल्लाह, बोलो भाई बोलो, माशाल्लाह मेरे उस्ताद जी तशरीफ लैन। लो जी मेरी आखिरी गल, दुआ करो अल्लाह मेरे उस्ताद जी दे उम्र इलमंदर बरकत फरमाए। ओ लोगो इधर वेख्या जे बड़े बड़िया नु सरमाया लिखिया जांदा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम आ असल सरमाया ने मेरे मसलक दे, दुआ करो अल्लाह मेरे शेख दी कदम कदम ते हिफाजत फरमाए, उची आमीन कह दियो। मेरे जिन्ने उलमा बीमार ने अल्लाह उन्होंने सेहत अता फरमाए, जिन्ने दिन रात सफर करते ने कदम कदम ते, अल्लाह मेरे हर मुबल्लिग हर खतीब हर आलम की हिफाजत फरमाए। लै मैं एक दुआ करन लगया मुहब्बत नाल आमीन किया जे, अल्लाह मेरी जमात दे जिन्ने उलमा खुतबा फौत हो गए शहीद हो गए, अल्लाह सबना दे दरजात बुलंद फरमाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया जड़ा बंदा यतीम नाल मुहब्बत करेगा यतीम की कफालत करेगा, कल कयामत वाले दिन मेरे नाल इंज खड़ा होएगा जिमें हाथ दियां दो उंगलियां कठियां ले। बाकी बातां इंशाल्लाह 18 तारीख नूं तुहाडे नाल होणगियां। उस्ताद जी तशरीफ लैन, अदबदाई तकाजा है, अस्सलामु अलैकुम।